प्रथम तहलका न्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले बुगावाला में मौजूद फल सब्जी मशरूम फूड प्लांट का उद्घाटन किया और इसके बाद जगतगुरु आश्रम पहुंचकर जगतगुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम से शिष्टाचार भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। पत्रकारों से बात करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार में पंचायत चुनाव समय सीमा पर होंगे और उसके लिए कुछ रिपोर्ट तैयार की गई है, उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड की विधानसभा में हुए भर्ती घोटाले पर भी धामी ने कहा कि अगर कहीं पर भी गड़बड़ी हुई तो वे विधानसभा के स्तर पर देखा जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड में बढ़ते हुए नशे के कारोबार पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि देवभूमि को नशा मुक्त करना है, इसमें जहां पर भी कोई गड़बड़ी सामने आएगी तो हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। धड़ल्ले से शराबी की शराब हम लोगों ने देखिए नशे के खिलाफ पूरी तरह से संकल्प लिया है, पूरी देवभूमि को नशा मुक्त करना है। उसमें जहाँ पर भी कोई गड़बड़ी आएगी उसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में भर्तियों का प्रश्न है, सब पर जांच हो रही है और लगातार गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। जब तक अंतिम व्यक्ति उसमें नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये जाँच चलेगी। ये राजनीतिक दुर्भावना से, राजनीति से प्रेरित होकर इन सबसे अलग किसके समय में हुई है, क्या हुई है, लेकिन जांच अब हो रही है तो सभी की जांच। सर आपके द्वारा पार्षद पति कन्हैया केवड़िया का कहना है कि किसी संस्था या सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है वहाँ पर जो स्थानीय चौकी है, जो थाना है और वहाँ पर जो चौकी इंचार्ज है। मैंने खुद उनको कई बार अवगत करवाया है लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार कड़े कदम उठा रही है और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आदेश हुआ है, हमारी पर्यटन और तीर्थ नगरी है और उसे नशा मुक्त करके ही रहेंगे। इसमें कुछ करेगा? देखिए, किसी संस्था का या सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है जो वहाँ पे स्थानीय चौकी है, जो थाना है, जो वहाँ पर चौकी इंचार्ज महोदय हैं। मैंने कई बार उनको अवगत भी कराया लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। लगातार आदमी पकड़े जाते हैं लेकिन मेन चीज़ है वो कहीं नहीं पकड़ी जा रही है। नहीं, अब खैर सरकार इस पर कठोर कदम उठा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश हुआ है और हमारी जो पर्यटन और तीर्थ नगरी है हरिद्वार, उसको नशा मुक्त करके ही रहेंगे। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।